क्या रायडू का चयन होना चाहिए था विजय शंकर की जगह? अब कौन खेलेगा इंडिया के लिए नंबर चार पर? क्या इंडिया को चार फास्ट बॉलर्स ले जाने चाहिए थे क्योंकि ये विश्व कप है इंग्लैंड में? इट्स टाइम फॉर टीवीएस टायर्स प्रेजेंट्स आपकी वाणी। ये सवाल है मोनू जी का कि चौथा सीमर क्यों नहीं ले जाया गया। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि चार सीमर ले जाने चाहिए क्योंकि इंग्लैंड में क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस ज्यादा है? ज्यादा चांसेस हैं कि आप तीन सीमर्स खिलाएं, किस दिन हार्दिक पंड्या के साथ में तीन सीमर्स खिलाएं, तो फिर अगर उस दिन सुबह किसी को बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, किसी का फॉर्म नहीं है तो क्या करेंगे आप? और रिप्लेसमेंट आपके पास चार चार बॉलर्स हैं जरूर, लेकिन वो तभी आपको मिलते हैं जब कोई इंजर्ड हो जाए, और इंजरी की अगर आपने रिप्लेसमेंट ले ली तो फिर दैट गाय विल बी आउट, तो आप रिप्लेसमेंट की रिप्लेसमेंट नहीं ले सकते। तो फिर अगर ये समस्या हुई तो फिर अगर कोई खिलाड़ी, कोई तेज गेंदबाज एक दो मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने चुटकी बजाई और आपने दूसरे रिप्लेसमेंट को खिला लिया, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो चौथा फास्ट बॉलर होना चाहिए था, पर प्लानिंग की हाँ मुझे कमी नजर आई क्योंकि आपने किसी में इतना विश्वास दिखाया ही नहीं है। यू बीन चॉपिंग एंड चेंजिंग, खलील को आपने थोड़ी देर साथ रखा लेकिन अंत में आके खलील का भी आपने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, सो दैट्स लाइक डिसअपॉइंटिंग। रोहन देश पांडे, विजय शंकर का सिलेक्शन ओवर अंबति रायडू। देखिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है, नॉट बिकॉज कि विजय शंकर अच्छे नहीं है, आई रेट हिम वेरी हाईली, लेकिन कुछ समय के लिए आप अपने आप को रायडू की जगह पे खड़े होकर देखिए। एशिया कप से आपको चार नंबर पे खिलाने का एक प्रयास किया गया, आपकी एवरेज मिड 40s में है, आपने हर जगह रन बनाए हैं, आपने एशिया कप में रन बनाया, आपने उसके वेस्ट इंडीज के खिलाफ रन बनाया, ब्रेव ऑन स्टेडियम में आपने शतक जड़ा, न्यूजीलैंड गए, यू आर द हाईएस्ट रन स्कोरर। अब उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पे तीन बार आउट हो जाते हैं। भाई अगर इतनी अगर हम मीन में निकालने लगे, बाल की खाल निकालने लगे, तो फिर शिखर धवन तो मुझे लगता है चार पांच बारियां लगातार जल्दी आउट हो गए थे। नाउ दैट कि शिखर धवन का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन रायडू के साथ मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर हुआ है। अब स्टिल होप कि विजय शंकर अच्छा करें, पर गलत तो हुआ है रायडू के साथ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। रोहित का ये सवाल है कि भाई अगर डीके बेटर विकेट कीपर है जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, तो फिर ऋषभ पंत को हम टेस्ट क्यों खिलाते हैं? एब्सोल्युटली राइट बॉस, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपको अपना बेहतर विकेट कीपर खिलाना चाहिए जो शायद थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। अगर ऋषभ पंत इतने खराब कीपर हैं तो फिर उनको क्यों खिलाया गया टेस्ट क्रिकेट में, और क्यों आपकी टेस्ट क्रिकेट के ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कीपर बन गए हैं? हालांकि रिद्धिमान साहा अवेलेबिलिटी के बावजूद लग रहा है कि आप ऋषभ पंत की तरफ चले जाएंगे, आप रिद्धिमान साहा की तरफ नहीं जाएंगे। अभी अभी तो उनको थोड़ा प्रमोशन भी दिया कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर ये सब कुछ हो रहा है ऋषभ के साथ तो फिर उनकी कीपिंग पे इतना सवाल क्यों? और वैसे भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि तभी मिलेगा दिनेश को मौका जब धोनी उपलब्ध नहीं होंगे, वेल उसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर दिनेश को ले जाना था तो पिछले एक डेढ़ साल से कम वनडे तो खिला लेते यार, आपने उनको इतने वनडे खिलाए नहीं, एंड दैट्स नॉट फेयर ईदर ऑन पंत और ऑन दिनेश कार्तिक। देव ज्योति घोष का है कि क्या आप खुश हैं इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर्स की आईपीएल के प्रदर्शन से? सी रोहित के प्रदर्शन से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। विराट कोहली इज फेली ओके, मतलब बहुत तगड़ा नहीं खेले लेकिन बहुत खराब भी नहीं खेल रहे। शिखर धवन 50-50, नॉट एग्जैक्टली वेरी हैप्पी। दिनेश कार्तिक जा रहे हैं उनका बल्ला, नॉट वेरी हैप्पी। महेंद्र सिंह धोनी बिग थम्स अप, क्या बैटिंग कर रहे हैं, उनसे तो मैं बहुत खुश हूँ। बुमराह, भूवी, शामी, इनकी बॉलिंग से भी मैं प्रसन्न हूँ। हमारे चहल की बॉलिंग से खुश हूँ। कुलदीप को विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, इस बात से मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हूँ। केदार यादव जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले हैं उसमें वो ठीक ठाक काम करें। केएल राहुल अच्छा करें, तो फिर दैट्स योर आंसर वेयर आई स्टैंड विद रिगार्ड्स टू इंडियन प्लेयर्स परफॉर्मेंसेज इन दी आईपीएल। शौनक का ये यूट्यूब से सवाल आया कि कौन खेलेगा नंबर चार। वैसे तो सेलेक्टर साहब ने कह दिया, एमएस के सामने बता दिया है कि विजय शंकर हमारे नंबर चार पे खेलने वाले हैं, तो शुरुआत तो मेरे ख्याल से उन्हीं के साथ होगी। उसके बाद हो सकता है कि बदलाव हो, और बदलाव कई तरीके से हो सकते हैं। आप केदार यादव को चार पे कर सकते हैं, विजय शंकर को नीचे धकेल सकते हैं ताकि आप हार्दिक पंड्या और विजय शंकर और धोनी को फिनिशर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकें। आप धोनी को भी चार पे खिला सकते हैं, दैट्स अनदर ऑप्शन। राहुल को इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आप सोच सकते हैं कि अब नंबर चार पे उनको खिला लिया जाए। तो नंबर चार की मुझे लगता है डिबेट ना ये सेटल ही नहीं है, ये विश्व कप खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं और आप यही चर्चा करेंगे। इंडिया का नंबर चार कौन होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हर टायर पर लाइफ टाइम वारंटी देने का, कड़ी परिस्थितियों में परखे गए जबरदस्त सहन शक्ति के लिए टीवीएस टायर्स हैवी टेस्टेड। अतुल कनौजिया जी का ये सवाल है, अगेन फ्रॉम यूट्यूब, क्या राहुल और धवन को ओपन करना चाहिए? राहुल धवन ना, रोहित धवन यस, क्योंकि रोहित जो ओपन करके काम करते हैं ना वो सिर्फ रोहित ही कर सकते हैं, तो मैं तो उनको बिल्कुल भी उनके साथ टिंकरिंग नहीं करूंगा। और उनकी फॉर्म मुझे लगता है इंडियन टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, तीन भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने वाले हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। ये तीन अगर अच्छा करेंगे तो इंडिया अच्छा करेगा, अगर इन तीन में से कोई भी अगर उंगली नीचे बैठ गई तो कहानी थोड़ी सी कठिन हो जाएगी।
एक और निहार का ये सवाल है कि दीपक चाहर को हम कितनी जल्दी देख सकते हैं इंडियन टीम में। देखिए इंडियन टीम का इर्द गिर्द घूम रहा है वो, अभी टीम के साथ भी जाएगा एज अ प्रैक्टिस नेट बोलर, तो बहुत दूर नहीं है इंडिया से खेलने के लिए। लेकिन एक बात उन्हें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करना है या टेस्ट खेलने का उनका एस्पिरेशन है तो फिर डेथ में बोलिंग का कुछ जुगत भिड़ानी पड़ेगी। अभी धोनी उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन ऐसा इस्तेमाल वनडे में नहीं हो सकता, और ऐसा इस्तेमाल एक्चुअली इंडिया के लिए खेल रहे हो तो T20 में भी नहीं हो सकता। ओल्ड बॉल से बोलिंग करनी पड़ेगी, एंड में जाके अच्छी यॉर्कर लगानी पड़ेगी। दैट्स वन थिंग दैट्स मिसिंग फ्रॉम हिज बैग ऑफ ट्रिक्स, तो होपफुली वो थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे। मुझे लड़का बहुत पसंद है वैसे। ब्रायसन का क्वेश्चन है क्या धोनी को हम चार नंबर पे देख सकते हैं? सी धोनी को हम चार पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने उनको धोनी को चार पे कर दिया तो रोहित शिखर कोहली धोनी इसके बाद सिर्फ इनएक्सपीरियंस, केदार हार्दिक विजय शंकर, क्या आप उस प्रकार से अपने जो लेसर एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जो वनडे क्रिकेट का सबसे मुश्किल फेज है उसमें डालना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब भारतीय टीम को देना होगा, और मुझे लगता है इसी के चलते शायद आप धोनी को नंबर चार पे देखें ही ना, वो नंबर पांच पे आए, छह पे आए, लेकिन नंबर चार पे शायद धोनी मुझे नहीं लगता कि हमें मिलने वाले हैं। एक सवाल लॉर्ड रहा था ये, अच्छा धीरानी जी का था ये, कि क्या SRH इज टू डिपेंडेंट ऑन देयर ओपनर्स? डेफिनेटली बॉस, आई मीन मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है ना, ये मिडिल ऑर्डर की समस्या इंडियन टीम के साथ भी है और ये प्लेग की तरह है, डेंगू की तरह फैल रही है, सबको हो गया यार ये चिकनगुनिया टाइप से, कि आप SRH को देख लो मिडिल ऑर्डर की समस्या है, आप दिल्ली डेयरडेविल्स देख लो मिडिल ऑर्डर की समस्या है, अब इंडियन टीम देख लो मिडिल ऑर्डर की समस्या है, किसको नहीं है? चेन्नई सुपर किंग्स को मिडिल ऑर्डर की समस्या नहीं है, किंग्स इलेवन पंजाब मिडिल ऑर्डर की समस्या, राजस्थान रॉयल्स मिडिल ऑर्डर की समस्या। अरे मिडिल ऑर्डर इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, वैसे अगर रसल ना हो ना तो KKR को मिडिल ऑर्डर की समस्या, बहुत समस्याएं हैं। एक और ये साहिब खल्लर जी का इसी से मिलता जुलता सवाल कि फिर किसका है सबसे अच्छा मिडिल ऑर्डर वीवो IPL में? दो टीम बहुत करीब हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ खड़ी हैं, एक है चेन्नई सुपर किंग्स क्योंकि वहां पे महेंद्र सिंह धोनी है, और दूसरी है मुंबई इंडियंस जिनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो ये दो टीम्स का मिडिल ऑर्डर फॉर ऑल रीजंस ऑल सीजंस मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही है, बाकी टीम्स जितनी भी हैं उनको मिडिल ऑर्डर की समस्या जरूर है।